हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास है और नए हाईस बनाते जा रहा है। ऐसे में दोस्तों हमें कॉशियस रहना पड़ता है क्योंकि टाइम टू टाइम करेक्शन हो सकते हैं। बहुत लोग तो क्रैश का ही इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में जब हमें ट्रेडिंग करनी है तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और बहुत ही परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप्स में ही हमें ट्रेडिंग करनी होती है। दोस्तों, ऐसे रैंडमली किसी भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। आज के वीडियो में मैं ऐसे ही तीन स्टॉक लाया हूँ, जो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लाया हूँ, तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेटअप्स लाया हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ट्रेडिंग सेटअप और ऐसे स्टॉक्स लाओ जिसमें आपको चार्ट एनालिसिस जब मैं करके एक्सप्लेन करूँ तो आपको बहुत सारी कुछ नई नई चीजें सीखने मिली दोस्तों, और आप चार्ट एनालिसिस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें सीख सको। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है, कल मैंने शाम को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए अगर आपको डिविडेंड स्टॉक कंसीडर करना है तो चार ऐसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड स्टॉक डिस्कस किए थे जो आपको हाई डिविडेंड तो देंगे, उसके साथ साथ डिसेंट रिटर्न्स भी देंगे। तो ये चार स्टॉक्स आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक स्टॉक एक वीडियो और बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें भी मैंने चार डिविडेंड स्टॉक्स दिए थे, लेकिन वहाँ पे डिविडेंड स्टॉक्स के साथ साथ वो डेब्ट फ्री स्टॉक्स भी थे। तो ये चार प्लस ये चार दोनों वीडियो के जो स्टॉक्स है, आठ स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जरूर कंसीडर करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो अपना। तो इन स्टॉक्स में से आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो आपको रेगुलर इनकम दे सकते। इसके अलावा आज शाम को मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, रेन इंडस्ट्रीज की। दो महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसका एक फॉलोअप वीडियो पोस्ट किया है आज, जो जिसमें एक डिटेल एनालिसिस की है चार्ट पे रेन इंडस्ट्रीज की, क्या ये स्टॉक दोबारा भागने को तैयार है, इसमें डिटेल में समझाया गया है इसके बारे में। आप इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल मिस मत करिए और जरूर इस वीडियो को देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए आज लाया हूँ वो है डीलिंक इंडिया। डीलिंक इंडिया आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, ये कंप्यूटर हार्डवेयर वाली कंपनी है, आपने जरूर नाम सुना होगा। तो इस स्टॉक को दोस्तों मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, जब से ये इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है तब से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, और ये जो गिरावट है ये पूरी गिरावट में मैं इसको लगातार ट्रैक कर रहा था और नोटिस कर रहा हूँ। रिसेंटली जब यहाँ से इसने स्ट्रेंथ पकड़ना चालू किया तो ये छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, आप देख रहे हो छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, इसका मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक इंडिसाइसिव है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेकिन नीचे काफी गिर चुका है और ऑलरेडी यहाँ पे हमने देख ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, हमने ट्रेंड लाइन बनाया, इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी वो यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका था, जैसा कि आप देख रहे हो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे। मैं इस स्टॉक को काफी दिन पहले ही आपको जब ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे इस रेड कैंडल पे ही मैं आपको ये कॉल देने वाला था, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक में बिल्कुल उस वक्त स्ट्रेंथ नहीं थी इसीलिए मैंने सोचा इसे थोड़े दिन और वेट करते हैं, देखते हैं स्टॉक में स्ट्रेंथ कब आता है। लगातार 8-10 कैंडल बन चुके थे और छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी। आप देख सकते हो RSI ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, 40-45 के आसपास ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ पिकअप करेगा, लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज विद दिस कैंडल। जो दो दिन पहले ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल दिया था और जिस तरीके की वॉल्यूम्स में ट्रेड हुआ ये, जो एक अचानक स्टॉक में स्ट्रेंथ, ये देख के मैं काफी सरप्राइज था और मुझे ऐसा लगा कि मैंने स्टॉक में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और आप लोगों को ये कॉल देना मुझसे मिस हो गया। लेकिन उसके अगले ही ट्रेडिंग सेशन में दोबारा ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, अब ये मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको ये कॉल प्रेजेंट करूं, और ये सेटअप जो है ये परफेक्ट सेटअप है हमारे लिए एंट्री करने के लिए। मैं एक्चुअली इस लेवल का ब्रेक करने का वेट कर रहा था, इस लेवल पे ब्रेक होगा तब मैं करूंगा, लेकिन एक ही दिन में ऑलमोस्ट इसने 10% के आसपास का मूव दे दिया था, इसकी वजह से मैं काफी सरप्राइज था। मुझे लगा था धीरे धीरे ब्रेक करेगा क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, और जब ये ब्रेकआउट देगा इस लेवल का तब मैं ये कॉल दूंगा। तो अब क्योंकि ये लेवल तोड़ चुका है तो हम इस लेवल को तरीके से ये हमारे लिए एक सेफ लेवल बन सकता है, तो अब हमारे लिए ये एक सेफ लेवल बन सकता है। और आप देख सकते हो सेफ लेवल को उसने किस तरीके से तोड़ा है, एक 10% का मूव दिया था और उसके बाद काइंड ऑफ रीटेस्ट करने की कोशिश की है। हो सकता है पूरी तरह अभी तक रीटेस्ट हुआ नहीं है तो एक आध सेशन और इस लेवल पे कंसोलिडेट करे और रीटेस्ट करे प्रॉपरली और फिर दोबारा एक जर्नी स्टार्ट करें। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कल के दिन ये स्टॉक कहाँ ओपन होता है। कमिंग बैक टू द स्टॉक दोस्तों, अगर कल ये प्राइस इस सेफ एंट्री लेवल के ऊपर और करंट क्लोजिंग के आसपास ही होता है ट्रेड तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ओपनिंग होती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप सेफ एंट्री लेवल के आसपास खरीद सको। या तो अगर इसमें मोमेंटम दिखाता है, कल तेजी रहती है और स्टॉक लास्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर ओपन होता है तो आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो, क्योंकि शायद ये अपवर्ड जर्नी
शुरू कर देगा, तो उस हिसाब से आपको ये ट्रेड में पोजीशन बनानी है। दोस्तों पोजीशन बनाने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करिएगा, आप अगर कन्विंस्ड हो, आप सेटिस्फाइड हो और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बगैर इसमें एंट्री बिल्कुल ना करें। क्या इसमें स्टॉप लॉस हम क्या लगा सकते हैं? स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आपके लिए ये जो लेवल है ये परफेक्ट स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। ये जो ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट वाला कैंडल था, इस कैंडल के इस पे हम उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा अब इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना होगा। टारगेट्स, पहला टारगेट ये हो सकता है, सेकंड टारगेट जो है वो करीब करीब ये लेवल है, थर्ड टारगेट जो होगा वो आपका ये लेवल होगा। आइए इन लेवल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली। आप देख सकते हैं हमने सारे लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। इसमें से फर्स्ट टारगेट को तो उसने उसी दिन 10% के मूव के साथ अचीव कर लिया था, लेकिन वहां से फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, दोबारा उस लेवल को जरूर टच करेगा दोस्तों। तो लेवल्स हमने आपको बता दिए, स्टॉप लॉस बता दिए और टारगेट्स बता दिए, तो इस स्टॉक को दोस्तों ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आप इसमें ट्रेड ना भी करें तो वॉच लिस्ट में रखे, इसे जरूर ऑब्जर्व करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट होने वाला है इस स्टॉक में, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि मैंने इस पे काफी वेट किया था और इस कैंडल ने मुझे 2 दिन पहले इस स्टॉक ने मुझे काफी सरप्राइज किया और स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी दिख रही है दोस्तों। अगर आप मैं चेक करूँ वीकली चार्ट पे, आप देख सकते हो वीकली चार्ट में भी स्टॉक क्लोज टू 60 के आसपास है, मतलब 56 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मंथली में अगर हम चेक करें तो मंथली में भी ऑलरेडी 58 के आसपास है, तो बहुत जल्दी स्टॉक 60 का RSI क्रॉस कर देगा ऑलमोस्ट तीनों टाइम फ्रेम पे, और ये एक अच्छा खासा मूव दे सकता है 164 के लेवल तक। क्या आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, आपकी एनालिसिस क्या बोलते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी बिगनर की जर्नी काफी डिफिकल्ट रहती है, और डिफिकल्ट इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास सही नॉलेज, कॉन्फिडेंस, स्किल्स या पेशेंस नहीं होता। उसके अलावा उसे कोई प्रॉपर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं मिलता, या उसे वर्केबल स्ट्रेटजीज की जानकारी नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस की कमी होती है दोस्तों। और हम भी आपकी तरह इस जर्नी से गुजर चुके हैं, इसीलिए हम आपकी इस डिफिकल्ट जर्नी में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी इस जर्नी को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग, जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहते दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव और एफर्ट अच्छा लगता है तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, डीमैट अकाउंट ओपन करके अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। दोस्तों अगला स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है प्रिंस पाइप्स। दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पे 24 ये जो कैंडल है 24 मई को दोस्तों इस स्टॉक ने 795 का करीब करीब हाई बनाया था, 794.40 का। वहां से दोस्तों स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है और उसके बाद अब जाके ये कहीं एक रिवर्सल का साइन दिखा, ये एक बॉटम बना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके का एक डॉजी कैंडल बना है, देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके का एक डॉजी कैंडल बना है, परफेक्टली डॉजी कैंडल बना है, और इसके बाद से ये एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, वॉल्यूम्स भी अच्छी थी, अगले दिन ही वॉल्यूम अच्छी थी और वहां से फिर स्टॉक ने पिकअप करना शुरू किया। ये एक पहले तो रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया, ये हमको समझ में आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये आपको दिख रहा है कि एक स्टॉक एक चैनल में मूव हो रहा है। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है, स्टॉक इस तरीके से एक चैनल में मूव होता हुआ दिख रहा है। एक रफ बना रहा हूं मैं, अभी एग्जैक्ट भी बनाऊंगा। कुछ इस तरीके से स्टॉक चैनल में मूव हो रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है हमको। और आप हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम्स देखिए, RSI देखिए, लास्ट कुछ 2 सेशन में RSI क्लोज टू 67। स्टॉक में स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, वॉल्यूम अच्छी दिख रही है और एक ब्रेकआउट पैटर्न होता हुआ दिख रहा है, एक चैनल का ब्रेकआउट पैटर्न। अब इस चैनल को हम परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। ये वो चैनल है दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे। आप देख सकते हो किस तरीके से स्टॉक एक चैनल में मूव हो रहा था और चैनल को उसने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। ये हमारे लिए कंफर्मेशन है, पहली बात तो चैनल का ब्रेकआउट, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है और RSI में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये काफी दिनों से मूव हो रहा था, यहाँ पे मई महीने से, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का मूवमेंट है। इसके अलावा एक कंफर्मेशन हमें और दिख रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन, जो रिसेंट प्राइस एक्शन हम देखें, अगर इस प्राइस एक्शन को फोकस करें, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का तो एक लंबा सफर है, वो तो कंफर्मेशन नंबर 1 हमारे लिए हो गया। अब सेकंड में बोल रहा हूँ आपको, आप इस पार्ट पे फोकस करिए तो ये आपको एक सेकंड कंफर्मेशन देगा यहाँ पे। अब उस चैनल जो मैंने बनाया है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अब हम फोकस करेंगे सिर्फ इस पार्ट पे, और जूम कर दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है करीब करीब इस तरीके का एक पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। पैटर्न कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। तो ये पैटर्न मुझे बताने की आपको शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्लियरली विजिबल है ये किस तरीके का पैटर्न है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, क्लियर कट, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। अब हो सकता है
यहाँ से ये रिवर्स आए और दोबारा आपको अपवर्ड जर्नी शुरू करे, या फिर मोमेंटम स्ट्रांग रहा, न्यूज तो अच्छी रही, मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा, कंटिन्यू ऊपर भी जा सकता है, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा कल कहाँ ओपन होता है, किस तरीके का स्टॉक में मूवमेंट होता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे पोजिशन ले सकते हैं। अब इसको हम अगर हमें इसे पैटर्न को कन्फर्म करना है तो हम दोबारा लाइन चार्ट लगा के क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से इजिली विजिबल है लाइन चार्ट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, कितनी आसानी से आप इस पैटर्न को कन्फर्म कर सकते। तो हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो गए, एक तो चैनल का ब्रेकआउट, दूसरा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रिसेंट प्राइस एक्शन है जो उसका ब्रेकआउट भी है। ये हमारे लिए परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कन्फर्मेशन हमें मिल रहे हैं, तो ये अच्छा चांस है कि ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा आगे चलते। अब देखते हैं दोस्तों स्टॉक में हम किस लेवल पे एंट्री करें, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारे लिए सेफ एंट्री लेवल होना चाहिए, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा वो चैनल ड्रॉ करना चाहूंगा जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ये जो कैंडल है हैमर काइंड ऑफ कैंडल, कैंडल के बेस को हम एक टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं और एंट्री लेवल जो है ये जो कैंडल का क्लोजिंग है जो जस्ट चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर था प्लस इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ऊपर है दोस्तों, तो ये लेवल जो है ये हमारे लिए एक सेफ एंट्री लेवल है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। आप देख रहे हो ये हमारा सेफ एंट्री लेवल है और ये हमारा एक स्टॉप लॉस है। आप देख रहे हो किस तरीके से पैटर्न कोइंसाइड हो रहे हैं और आपको एक सेफ एंट्री लेवल मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है तो हो सकता है यहाँ से जैसा मैंने डिस्कस किया था रिवर्स जाए इस लेवल पे आके या फिर ये मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। अब आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि कल कहाँ ओपन होता है और उस हिसाब से अगर आपको मौका मिलता है रिवर्स होता है यहाँ सेफ एंट्री लेवल है 702 के आसपास एक्युमुलेट करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको मौका मिले, वरना आप करंट मार्केट प्राइस पे उसको बाय कर सकते हो इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। अब इसके क्या टारगेट हो सकते हैं आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेवल ऑलरेडी बना दिए हैं टारगेट जो चैनल के अंदर जो हाइस थे उनको हमने जोड़ के एक टारगेट लेवल बनाया दोस्तों। तो इस हिसाब से स्टॉक मूव हो सकता है और इन लेवल को एटलीस्ट नियर टर्म में अचीव कर सकता है। और अगर मैं मान के चलूं कि अगर हमें कल मौका मिलेगा कि 702 के सेफ एंट्री लेवल के आसपास हमें एंट्री करने का मौका मिलेगा तो यहाँ से हमें मिनिमम 10-12% का मूव देखने मिल सकता है और इस मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक में पोजिशन लेने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए दोस्तों। आपके अलग कोई ऑब्जर्वेशन है इस चार्ट के बारे में, स्टॉक के एनालिसिस के बारे में, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स। दोस्तों यूट्यूब के अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहां हमारी एक छोटी सी फैमिली है 1500 लोगों की। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं हम आपको रेगुलरली फ्री स्विंग ट्रेड कॉल्स देते हैं जहां आप 7, 10 या 15 दिनों में मिनिमम 5-10-15% तक आप गारंटेड कमा सकते हो दोस्तों। अगर आप पेशेंस रखो तो आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो दोस्तों। और हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ कॉल्स पे डिपेंड रहे, इसलिए हम आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं विद परफेक्ट एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, जिसकी मदद से आपको समझ में आए कि जो भी हमने कॉल्स दिए हैं उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है। और अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे साथ इंडिविजुअली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो जहां हम आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को पर्सनल अटेंशन देके आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये ग्रुप प्राइवेट है इसलिए आपको नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होना होगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा अगर आप हमारे स्विंग ट्रेड कॉल्स की क्वालिटी को समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जहां हम रेगुलरली हमारे मेंबर्स के लव अप्रिसिएशन रिएक्शन बेस्ट विशेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे मेंबर्स के कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप हमें दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज का आखिरी स्टॉक में जो आपके लिए लाया हूं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेटअप है दोस्तों, आपको समझना होगा इस तरीके के सेटअप्स को। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक, एक सबसे पहले तो स्टॉक का नाम है कॉनकॉर लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो किस तरीके से अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा था, फिर इस लेवल को उससे रिजेक्शन हुआ, कंसोलिडेट हो रहा था, दोबारा इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और यहाँ से फिर इस लेवल पे उसे रिजेक्शन मिला। अब ये दोबारा कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद दोबारा ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो दोस्तों जोन है, जो मैंने जोन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये उसका एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। जब इस जोन पे प्राइस नीचे से अप्रोच करता है तो रिजेक्शन फेस करता है और जब प्राइस ऊपर से आता है रिजेक्शन फेस करता है, जब प्राइस ऊपर से आता है तो एक अच्छा खासा जंप देता है। तो ये बेसिकली एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है जो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह एक्ट करता है, चाहे प्राइस ऊपर से आए या नीचे से आए उस हिसाब से वो एक्ट करेगा। अगर नीचे से प्राइस अप्रोच करता है तो उसे रिजेक्ट करके स्प्रिंग बोर्ड की तरह नीचे पुश करेगा प्राइस को, और अगर प्राइस ऊपर से अप्रोच करता है तो दोबारा इसे एक
अपवर्ड जाने की तरफ पुश करेगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन इस तरीके से काम करता है और ये फिलहाल अपने एक डिमांड एंड सप्लाई जोन में अटका हुआ है, उसी चैनल में मूव हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई जोन में मूव हो रहा है। किसी भी वक्त ये ब्रेकआउट दे सकता है दोस्तों, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये ब्रेकआउट देगा। इसकी RSI आप देख सकते हो अच्छी खासी स्ट्रांग RSI चल रही है 68 की, और वॉल्यूम्स भी डिसेंट है पिछले कुछ सेशन से, पिछले कुछ दिनों के सेशन से कंपेयर करें वॉल्यूम्स, तो पिछले 3-4 दिनों के वॉल्यूम्स आप देख सकते हो अच्छे खासे कंपेरेटिवली ज्यादा है पहले से। तो ये एक चांसेस ज्यादा है कि ये एक अच्छा खासा अपना डिमांड सप्लाई जोन को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के साथ ब्रेकआउट दे, या फिर कोई गैप अप होगा, अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा गैप अप होगा तो एक अच्छा खासा मूव दे सकता है आपको यहाँ से। दोस्तों अगर आपको एक चीज और यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, पिछली बार जब इसने इस लेवल पे से ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल से ब्रेकआउट दिया था, तो ये जो मूव था ये उसका अराउंड 629 से लेके 748 तक का जो मूव था, अराउंड ऑलमोस्ट 20% का मूव है। जो एक ब्रेकआउट देता है स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद में, कहते हैं 10-15% का मिनिमम ब्रेकआउट दे सकता है, तो ज्यादा भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट मिनिमम 10-15% हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह जो कंसोलिडेशन का फेज रहा है, और इस कंसोलिडेशन के फेज के बाद जब ये इस डिमांड एंड सप्लाई जोन भी है ऊपर, तो इस सप्लाई जोन को, डिमांड सप्लाई जोन को अगर वो तोड़ता है, तो एक मिनिमम हमें 10-15% यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। 10-15% ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, बट 10-15% का मूव हमें इजिली मिल सकता है, उसके बाद चाहे तो आप ट्रेल कर सकते हो। दोस्तों सवाल आता है कि इसमें एंट्री कब करना चाहिए हमें, अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो आपको ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो हमने बनाया हुआ है, इस जोन के ऊपर जब प्राइस ब्रेक कर देगा और उसके बाद जब सस्टेन करेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो, वहां से फिर मिनिमम 10-15% का मूव आप अचीव कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस आप इस लेवल पे मेंटेन रख सकते हो, स्टॉप लॉस जो है आप इस लेवल पे मेंटेन रख सकते हो जो अराउंड 700 का लेवल है, 700 के लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई ऊपर के रेफरेंस पॉइंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया ये मूव मिनिमम 20% का मूव था, यहाँ से भी आप मिनिमम 10-15% का आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों, इजीली आपको 10-15% का मूव देखने मिल सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिले, और वो आपके लिए बोनस होगा जो आपको ट्रेल करते रहना होगा मिनिमम 10-15% के मूव के बाद। अब दोस्तों ये मूव सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं वॉल्यूम तो डिसेंट है, स्ट्रेंथ भी डेली चार्ट पे डिसेंट है, अब इसको चेक करते हैं हम वीकली पे और मंथली पे हमें क्या दिख रहा है, उसमें भी क्या इतनी स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में कि एक 10-15% का मूव हमें दिख सकता है आने वाले शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, ये चेक करते हैं। अगर हम वीकली चार्ट पे चेक करें, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो स्टॉक अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, RSI इज क्लोज टू 68। अगर मंथली चार्ट पे चेक करें, मंथली चार्ट पे भी स्टॉक इज क्लोज टू 68, तो मतलब स्टॉक कंसिस्टेंटली 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट तीनों टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, 68 का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट तीनों टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो स्टॉक की जो RSI है, स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है, वो तीनों ही टाइम फ्रेम पे 68 के आसपास है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपके लिए कि स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और तीनों टाइम फ्रेम पे कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ है। तो ये एक 15% का मूव आपको आने वाले दिनों में जरूर देखने मिलेगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये सेटअप, क्या सोचते हैं आप इस सेटअप के बारे में, आपकी क्या खुद की ऑब्जर्वेशन है इस सेटअप के बारे में, आप शेयर कर सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में, अपनी फीडबैक दे सकते हो। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो पसंद आया, चॉइस ऑफ स्टॉक, चॉइस ऑफ सेटअप्स, और जिस तरीके से मैंने डिटेल में आपको एनालिसिस करके दिखाई है तीनों ट्रेडिंग सेटअप्स की, इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तीनों ही स्टॉक में दोस्तों पोजीशन लेने से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें, कि हम हर हफ्ते ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन जरूर मिले। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट दिखेगी, स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने एक मिनट में समझाने की कोशिश की, आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करिए।